उन भगवान अरहंत सम्यक संबुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ और तथागत के श्रावक संघ रत्न को भी नमस्कार करता हूँ। श्रद्धावंत उपासक और उपासिकाओं, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध की देशना श्रवण करने वाले हैं। इससे पहले शायद आप लोगों ने सुना होगा नाम मरणानुसति मरण सति आदि शब्द सुने होंगे, लेकिन मैंने आप लोगों को इतने सारे ध्यान कर्म स्थान है, शब्द कर्म स्थान है, विपसना कर्म स्थान है, इनको आरंभ में न बताकर आप लोगों को मरणानुसति के बारे में प्रथम क्यों बता रहा हूँ, इसकी कुछ वजह है। इस मरणानुसति का उतना महत्व है कि उसे आरंभ में ही सीखना होता है। कोई भी व्यक्ति का मतलब होता है जो भगवान का श्रावक, जिस किसी गुरु के पास जाकर किसी ध्यान कर्मस्थान का कर्मस्थान को लेता है, यानी कि सीखता है, और वो ग्रहण करने के बाद कहीं या तो उसी विहार में या किसी जंगल में जाकर या किसी शून्यागार कुटी में जाकर साधना करता है। तो ये परंपरा थी भगवान के समय में, ऐसे बहुत सारे लोग, सभी बुद्ध के श्रावक भगवान के पास या भगवान के श्रावकों के पास आते थे और उनके द्वारा ये ध्यान विधि का जो आलंबन होता है, उस आलंबन को ही कर्मस्थान कहते हैं, ठीक है, उसके अभ्यास की विधि थी। तो भगवान के पास जो लोग आते थे तो भगवान तो सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले, और भगवान के पास मतलब इंद्रिय परोपर्यत्य ज्ञान होता है, ये तथागत बल होता है, इसलिए भगवान स्वयं जानते हैं कि इस व्यक्ति को किस तरह का कर्मस्थान देना चाहिए और कौन से व्यक्ति को किस प्रकार का कर्मस्थान देना चाहिए, भगवान प्रत्यक्ष जानते थे। लेकिन जो भगवान के श्रावक थे, जैसे बंदे मुगलान बंदे आदि आदि जो यारंत मार्ग पर आरूढ़ लोग थे, उनके पास भी कोई व्यक्ति कर्मस्थान लेने के लिए आते थे तो उनकी चर्या को देखते थे, उनकी चर्या कैसी है, क्या वो व्यक्ति राग चरित है, द्वेष चरित है, यानी कि चरित का अर्थ होता है यानी स्वभाव, और वो व्यक्ति जब गुरु के सानिध्य में रहता है, गुरु के पास रहता है, तो गुरु उसकी चर्या को देखता है, यानी उसकी बात करने का तरीका, इधर उधर देखने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, चलने का तरीका, सफाई करने का, हर एक तरीके में जो भी उसकी क्रिया इरिया पथों में वो अपना स्वभाव प्रकट करता है। आपने कभी सुना होगा जब कोई हाथी को ट्रेन करने वाला व्यक्ति हाथी के हर एक दोषों को देखता है कि वो चलते समय कहाँ उसका दोष प्रकट होता है, तो उस दोषों को वो ठीक करता हुआ एकदम ट्रेन बनाता है। तो भगवान के धर्म में भी ऐसा ही है, कर्म स्थान का अभ्यास करने के लिए एक अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है, और गुरु के सानिध्य में आने के बाद, उनके आश्रय से रहने के बाद ही सही तरीके से हम कर्म स्थान ले सकते हैं और उसके अनुसार अभ्यास कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो चर्या 6 प्रकार की होती है, फिर उपचर्या तो बहुत है ना, तो वो हर एक व्यक्ति के चर्या के अनुसार अलग अलग कर्मस्थान होते हैं, ठीक है, और वो व्यक्ति लेते हैं और उसका अभ्यास करते हुए उसके महान प्रतिफल को प्राप्त करते हैं। भगवान के पास जो लोग इस तरह से याचना करते हैं कि भगवान मुझे ऐसी कुछ संक्षेप में धर्म देशना करें, देखिए यहाँ पर भगवान को धर्म देशने की याचना करते तो बहुत संक्षेप में पूछते कि मेरे लिए जितना आवश्यक है उतने ही मेरे लिए धर्म के देशना करें, यानी कि भगवान भी तो अगर उसकी पारमी पक्व है, उसका मतलब जो संस्कार जो अच्छे पके हुए हैं, पुण्य संस्कार, तो भगवान उसको संक्षेप में धर्म देशना देते हैं, और संक्षेप का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति की चर्या जैसी है और जो उसको सुटेबल कर्मस्थान है उसी को वही कर्मस्थान दिया जाता था, और वह व्यक्ति बहुत कम समय में
बहुत कम समय में ही या तो अरहंत बनता था, नहीं तो या अरहंत अनागामी या सकृदागामी बनता। मतलब ये अनागामी तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी। वो जो व्यक्ति ऐसी याचना करता है वो शत प्रतिशत, और उसको अगर संक्षेप में भगवान ने धर्म देशना दी समझो तो वो अरहंत ही बनता है। तो ये कर्मस्थान लेने की अलग अलग एक ये थी विधियां थी। तो कर्मस्थान ऐसे लिया जाता है। तो ध्यान साधना के दो पक्ष हैं विशेष करके, उसे कहते हैं शमत भावना और विपस्सना। इन्हीं शमत भावना और विपस्सना को, शमत भावना के दो पक्ष आते हैं, लौकिक समाध, लौकिक ध्यान भी आता है, लोकोत्तर ध्यान भी आता है। तो जो शमत भावना के अंतर्गत आने वाला ये मरणानुसति, मरण सती ध्यान है, ये कर्मस्थान है। अभी ये मैंने आरंभ में ही आप लोगों को क्यों दिया है, क्योंकि इसका महत्व इस तरह से है, क्योंकि कोई भी कर्मस्थान क्यों ना हो, चाहे आप विपस्सना करें, चाहे आप शमत भावना का कोई भी कर्मस्थान का अभ्यास करें, हर कर्मस्थान का अभ्यास करने से पहले यहाँ पर मरणानुसति सुउपस्थिता, यानी कि सु भले प्रकार से उपस्थित होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो व्यक्ति उस कर्मस्थान का अभ्यास नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे एक कुछ कर्मस्थान है, जो कर्मस्थान हर एक कर्मस्थान के साथ में उसे लगे होने ही चाहिए। जैसे कि अशुभ कर्मस्थान है, क्योंकि शमत भावना की, शमत भावना का अभ्यास करते हुए अगर ये काम छंद आदि निवरणों को दूर अगर हम करेंगे ही नहीं तो हम प्रथम ध्यान ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। काम छंद ही दूर नहीं होगा तो प्रथम ध्यान दूर नहीं होगा, क्योंकि ध्यान का आरंभ होता है विविच्य ही कामे ही, विविच्य अकुशले ही धम्मे ही। ठीक है, तो यहाँ अकुशल यानी कि जो पंच काम गुण है और जितने भी अकुशल है वो दूर होने के बाद, जो काम है जिसमें इंद्रिय और इंद्रियों के सुखों के विषय है, तो इनसे दूर होना बहुत जरूरी होता है। तो ये होने के लिए हमें अशुभ कर्मस्थान, अशुभ साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। और व्यापाद को दूर करने के लिए, व्यापाद का अर्थ होता है कि द्वेष भाव को दूर करने के लिए मैत्री भावना होनी जरूरी होती है, और बाकी के निवारण परिपूर्णता दूर होने के लिए भी मरण सति बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जब होती है तभी ये निवारण दूर होते हैं। मरण सति हर कर्मस्थान का अभ्यास करने के लिए साथ में होनी चाहिए। उसे कहते हैं कि कर्मस्थान के आरंभ में और सतत यानी कि उसके अभ्यास के हर क्षण में मरण सति का मतलब एक सति होनी चाहिए। मरण सति भले प्रकार से उपस्थित होनी ही चाहिए, तभी कोई व्यक्ति मरण सति यानी कि तभी कोई व्यक्ति कर्मस्थान का अभ्यास कर सकता है। तो ये मरण सति भी आपको और हमें निर्वाण की ओर कैसे ले जाती है, क्योंकि ये मरण सति केवल आप लोगों ने सुना होगा कि मरण का अर्थ होता है कि मृत्यु, है ना। और मृत्यु के बारे में सुनना किसी को भी पसंद नहीं है। अगर किसी ने कहा कि तू मरने वाला है तो उसे बहुत अप्रिय लगता है कि मेरे बारे में ऐसा बोले। मतलब ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं, किसी व्यक्ति कोई बीमार व्यक्ति है और कहते हैं कि अभी ये बहुत बीमार है, तो कोशिश करिए कि अपने आप को शीलवान बनाने की कोशिश करिए, श्रद्धा में प्रतिष्ठित होने की, और ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करने की कोशिश करिए, क्योंकि जीवन अनित्य है, अनिश्चित है। ऐसा कहने के बाद उनके रिश्तेदारों को लगता है कि अरे बंदे जी इसलिए ऐसे कह रहे हैं कि अभी शायद कुछ अशुभ बात होने वाली है, शायद कुछ हानि होने वाली है, तो बहुत नाराज होते हैं। कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि व्यक्ति अभी मतलब उसका मृत्यु नजदीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति ने अप्रमाद होना चाहिए, कि जीवन अनिश्चित होने के कारण हमें अप्रमाद होना चाहिए। तो मृत्यु या मरण के बारे में जब कभी हम सुनते हैं, ये शब्द हमारे कानों पर आता है तो बहुत बुरा लगता है। हालांकि ये जीवन की सच्चाई है,
और हर व्यक्ति ये देख समझता है कि जो व्यक्ति जन्म लेने वाला है वो व्यक्ति मरेगा ही, वो मृत्यु को प्राप्त तो होता ही है, ये बात समझता है। किसी बाहरी व्यक्ति का जब मरण को देखता है तो बहुत अच्छी तरह से समझता है, बोलता है कि अरे जो जन्मा है वो उसका मृत्यु भी न हो ऐसा कैसे संभव है, मृत्यु तो आना ही है। और लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मृत्यु कब कहाँ कैसे आ जाए किसी को कुछ पता नहीं होता है, और मृत्यु जो अटल बात है, जो अटल बात जो होने ही वाली बात है वो हो गई है, इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे जब दूसरों को एक बताने के समय में ऐसे बताते हैं, लेकिन जब मृत्यु के बारे में अपने जीवन की सच्चाई के बारे में जब व्यक्ति समझता है, मतलब समझना चाहिए तो वैसे नहीं समझता है, और इसीलिए व्यक्ति प्रमादी बनता है, प्रमादी बनता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्रमादी का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अपनी काया से दुराचरण करता है, वाणी से दुराचरण करता है, मन से भी दुराचरण करता है, और जो भी अकुशल धर्म है उस अकुशल धर्मों में लगा रहता है, और कुशल धर्म की भावना करने के लिए वैसा उस प्रकार का वीर्य पुरुषार्थ नहीं करता है, अपने भीतर के अकुशल को दूर करने के लिए किसी प्रकार का कोई मतलब इच्छा भी नहीं जगाता है, तो ऐसा व्यक्ति प्रमादी होता है। तो ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से समाज में देखते हैं, और हर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं तो अभी नहीं मरूंगा, अभी ऐसा कैलकुलेट करता करता हुआ देखता समझता है कि अभी तो मनुष्य का आयु प्रमाण करीबन 60-70-80 साल है, तो मैं कम से कम 60-70 साल तो जीऊंगा ही, मतलब ऐसा प्रेडिक्ट करता हुआ, मतलब वो एक आराम से रहता है, मतलब उसके बारे में मरण के बारे में बिना सोचे अपने डेली रूटीन जो भी कर्तव्य है वो करता है ना। तो ऐसा करते हुए कभी कभी मतलब जीवन में चढ़ाव उतार आते हैं, तो उसमें जब सुख होने का समय आता तो सुखी होता है, दुखी होने का समय दुखी होता है, आदि रूप से वो मतलब अपना इस स्वभाव से अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जो भगवान का श्रावक होता है वो अपने जीवन के सत्य को समझता है, इस मरण रूपी स्वभाव को समझता है कि इस संसार में जितने भी लोक हैं, जहाँ जिस लोक में सत्वा अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, तो वहां पर बुढ़ापा आता ही है और मृत्यु आता ही है, यानी कि जहाँ जन्म हुआ है वहां मृत्यु आता ही है। मैं इस मनुष्य लोक में हुआ और मैं यहाँ मृत्यु को प्राप्त हुआ तो मुझे और कहीं मतलब जन्म नहीं होगा, या जहाँ जन्म नहीं होगा तो मेरा मृत्यु नहीं होगा, तो इस तरह की बातें जो सोचते हैं वो तो अज्ञानता है। लेकिन ऐसा कोई लोक नहीं है जहाँ कोई व्यक्ति जन्म लिया हुआ उसने और वो अमर हो, मतलब जन्म लिया है तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है, चाहे इस भव संसार के सबसे अग्रतम जो सत्व है नैव संज्ञान संज्ञायतन लोक, वे लोग भी प्रदीर्घ काल के बाद मृत्यु को प्राप्त होती है, यानी कि ये सभी सत्व मरण के स्वभाव के है, इस मरण के स्वभाव से मुक्त नहीं है। ठीक है, तो ये अपने जीवन का सत्य है। तो ये ध्यान साधना, ये मरणानुस्मृति हमें क्यों करनी चाहिए और हमें किस तरह से करनी चाहिए इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि अगर हमें इसका अर्थ समझ में आता है तो हम सही तरीके से इस भावना को कर सकते हैं। अगर हमने अर्थ नहीं समझा है तो ये मरणानुस्मृति नाम शब्द सुनते ही हमें अप्रिय लगेगा और हम इसे दूर भागेंगे, है ना। आज तक लोगों ने अनेक साधनाएं की होगी, उसमें से अधिकतर जो लोग जिन लोगों साधना से परिचित है तो वे लोगों ने आनापान किया होगा और कर्मस्थानों में से विपस्सना का अभ्यास किया होगा, लेकिन ये मरणानुस्मृति अगर साथ में नहीं होती है तो व्यक्ति बहुत प्रमादी बनता है, यानी कि प्रमाद यानी कि वो अखंड रूप से धर्म का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो मरण सती का महत्व तो समझते हैं कि ये मरण सती हमें क्या किस तरह से हमें करनी चाहिए, क्योंकि क्यों करना चाहिए समझते पहले। हम मरण स्वभाव के होने के कारण हमारे पीछे जहां से जब से हम जन्म ग्रहण करते हैं, मतलब माता के गर्भ में आते हैं तब से लेकर हमें च्युत होने का एक मतलब एक
स्वभाव बना रहता है। जब से ये चार धातुओं से बना शरीर रूपी खंडानंग प्रतिलाभ यानी ये जो स्कंद रूपी शरीर का मतलब प्रतिलाभ यानी जन्म होता है, तब से लेकर उसके साथ ही ये मृत्यु भी पैदा होता है, मृत्यु का भी जन्म होता है, मृत्यु होना भी उसका मतलब तय होता है। तो वधको भी यानी कि जैसे कोई वधक कोई शिकारी हो तो जब भी मौका मिले, जैसे कि कोई ऐसा तीर तान कर रखता है, जब भी कोई सामने कोई प्राणी आजार उसको तीर चलाता है, मतलब उस सिर्फ मौका ढूंढता है, तो उस मौका ढूंढने वाले वधक की तरह ही ये मृत्यु बस मौका ढूंढता है। क्योंकि मृत्यु के जो रास्ते हैं, मृत्यु होने के रास्ते बहुत हैं, और ये मृत्यु यही मौका देखता है, ये वधक भी है, तो इसे समझना चाहिए। और ये जो हमें जीवन मिला है एक संपत्ति की तरह है, लेकिन उसकी विपत्ति की तरह ये मृत्यु है, इसे समझना है। तो इसमें इस जीवन में बहुत सारी मतलब बातें होती हैं। तो उसमें हमें जब आरोग्य मिलता है, आरोग्य संपन्न जब हमारा शरीर होता है, यानी कि जो भी छह इंद्रिया है, छह इंद्रियों से संबंधित किसी प्रकार का रोग नहीं है, तो रोग न होने के कारण क्या होता है, क्या करते हैं हम? रोग न होने के कारण हम समझते हैं कि अरे हम तो निरोगी हैं और हमें कुछ होने वाला नहीं है, हमें मतलब इसके बारे में और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं कि मृत्यु कब आ जाए। क्योंकि आरोग्य इस तरह से ये करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं कि लगता है कि मैं तो मरने वाला नहीं इस स्थिति में। तो इसके लिए आरोग्य बनाने के लिए बहुत सारे उपक्रम करते हैं, योग करते हैं, जिम में जाते हैं और अपना स्वास्थ्य बनाते हैं। ये बुरा नहीं है, लेकिन ये आरोग्य रूपी जो मद है, मतलब क्या कहते हैं, उसकी एक नशा आ जाती है, उससे व्यक्ति भूल जाता है कि मैं मृत्यु होने वाला या मृत्यु मेरे समीप है, मृत्यु कभी भी आ सकता है, ये बात व्यक्ति मतलब उसकी स्मृति उसके नहीं आती है, और अपने आरोग्य मद में जब वो रहता है, लेकिन वो आरोग्य मद का पर्योसान उसका अंत कहाँ होता है, रोगी बनने में वो आरोग्य मद का अंत होता है। ये आरोग्य मद जब उसका अंत स्थान कहाँ तक पहुँचता है, जब व्यक्ति रोगी होता है तब उसका आरोग्य मद चला जाता है। दूसरा होता है यौवन मद। यौवन का मतलब होता है जो युवा बनने के बाद तारुण्य का जो ये होता है मद होता है, तो ये भी इस जीवन जीते हुए आता है, और ये इस तारुण्य का जो अंत है वो बुढ़ापा में होता है। जब बुढ़ापा आने लगता है, शरीर पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, आंखें कान आदि इंद्रियां दुर्बल होने लगती हैं, शरीर झुक जाता है, दांत गिर जाते हैं, तो इस तरह के जब जरा आ जाता बुढ़ापा आ जाता है, तो ये जो तारुण्य का जो मद था जिस कारण से व्यक्ति ये स्मृति खो देता है अपने जीवन की सच्चाई के बारे में, तो ये जब बुढ़ापा आता है तो ये यहाँ तक उसका वो यौवन मद भी समाप्त होता है। और दूसरा एक होता है कि जीवित मद। जीवित मद का होता है कि मैं तो नहीं मरता, करीब करीब मैं तो अभी इतने साल तक तो मैं जीवित रहूंगा ही, इस तरह से कल्पना करता है। दूसरे लोग देखता भी है, कोई व्यक्ति गर्भ में भी कोई सत्व गर्भ में मरता हुआ देखता है, बहुत जन्म हुआ छोटा बच्चे के रूप में देख मरता हुआ भी देखता है, लेकिन अपने बारे में ऐसा प्रेडिक्ट करता है कि मैं तो अभी मरने वाला नहीं। तो इस कारण से वो जीवित मद में वो मस्त होता है, और इस कारण से वो प्रमाद करता है, खुद कुशल धर्म का आचरण नहीं करता है। देखिए इन तीनों प्रकार के जो मद है, आरोग्य मद है, तारुण्य मद है और जीवित मद है, इससे व्यक्ति प्रमादी बनता है। धर्म का आचरण करने के लिए उसके भीतर ये संवेग नहीं जागता है, वो ज्ञान नहीं जागता है। फिर भगवान बुद्ध ने अपने इस मरण रूपी स्वभाव के बारे में ये भी कहा है कि चाहे कितना भी व्यक्ति यशस्वी क्यों न हो, जिसके पास बहुत सारा ऐश्वर्य है और जिसके नौकर है, जिसकी आज्ञा का पालन करने वाले, जिसके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उसकी मनोकामना परिपूर्ण करते हैं, जैसे परिवार के रिश्तेदार लोग हैं उसको बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत मतलब दीर्घ काल तक जीवित रहे, तो इस तरह का यश संपन्न व्यक्ति भी
होने के बाद भी मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी रिश्तेदार वैसे के वैसे अपनी जगह रह जाते हैं और व्यक्ति परलोक में चला जाता है। कोई व्यक्ति बहुत पुण्यवान होता है और पुण्यवान होने के कारण मनुष्य लोक में आता है, उसकी शरीर संपदा, उसका बाहरी ऐश्वर्य सब कुछ बहुत लगता है कि ये पुण्यशाली व्यक्ति है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी एक दिन वो भी चला जाता है। जिस संसार में सबसे पुण्यशालियों में पुण्यशाली कौन है? भगवान बुद्ध है। जैसे एक मरण सती गाथाओं में आता है, सुयशत्थाम पुण्य पुण्यधि बुद्धि उद्धि जिनत्वयम्। ये जो ऐसे जो जीन लोग है, जो दो लोग है जो सुयशत्थाम यानी कि जो यश प्राप्त है, पच्चेक बुद्ध और सम्यक संबुद्ध, और वे लोग ऐसे पुण्यशाली है, यशस्वी है, और ऐसे मतलब बल है उनके पास कि जिन्होंने अपने समग्र क्लेशों को नष्ट करके, जो पुनर्भव होने के लिए जो कारण बनने वाले सभी आश्रयों को जो नष्ट करके उस पर विजय प्राप्त करने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी मृत्यु आ जाता है ना। ऐसे यशस्वी लोग, फिर मनुष्य लोक के बाकी लोगों की तो बात ही क्या है। ऐसे भी लोग हैं जो जो शरीर से बहुत स्ट्रांग है, शक्तिशाली है, ऐसे लोगों को भी हम समाज में देखते हैं, वे लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये अभी दिन में ही मरने वाले हैं या रात में ही मरने वाले हैं, ये बैठे हुए ही मरेंगे या सोने के बाद ही मरेंगे, चलते हुए ही मरेंगे या खड़े रहते ही, कुछ आता पता नहीं, कभी भी मृत्यु आ सकता है। महान रुद्रशाली लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते, भगवान बुद्ध, पच्चेक बुद्ध या मोग्गल्लान भंते जी की तरह, या 80 महाश्रावकों की तरह, जो महान रुद्धिमान लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते, उनके वश में ही अपने ये चार धातुओं से बनी मतलब ये काया, मतलब जो काया को बना सकते हैं, अपने मतलब ब्रह्मलोक तक अपने सब शरीर से जा सकते हैं और अपने शरीर को रूपांतरित कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे रुद्धिशाली व्यक्ति भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। महाप्रज्ञावान व्यक्ति भी, चाहे कोई भी क्यों ना, जैसे सम्यक संबुद्ध, जैसे सारिपुत्र मोगलाना जैसे, सबको मृत्यु आता है, ये जीवन का सत्य है। और ऐसे सत्वों को भी मृत्यु आता है तो अरे मेरे जैसे की तो बात ही क्या है, मैं तो इस स्वभाव से युक्त हूँ ही, ये बात हमें जाननी चाहिए, ये जीवन का सत्य है और इसे समझना है। और भी समझना है कि ये जो मरण के हमारा जन्म तो हुआ है माता के गर्भ गर्भ में जब से आया, और जब और ये जो चार स्कंद रूपी जो हमारा लाभ होकर जो जन्म हुआ है, वो जन्म होने के साथ ही, जन्म होने तो एक एक माध्यम से जन्म हुआ है कर्म के अनुसार, लेकिन यहाँ मरने के तो इतने कारण है कि सोच नहीं सकते, बहुत कारण है इससे भी। और ये हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम चलते चलते ठोकर लग कर गिरने से भी मर सकता है, किसी मनुष्य ने प्रहार करने से, बहुत सारे ऐसे कारण है, तो इसको भी समझना है कि ये भी हमारा एक स्वभाव है, इन स्वभावों से युक्त हूँ और ये हमारे जीवन का एक सत्य है। और ये जो जन्म के साथ में जो आयु मिली है, तो इस आयु का कोई भरोसा नहीं, ये अनिश्चित है, यहाँ तक कि एक सांस लेने के बाद छोड़ने से पहले भी मृत्यु आ सकती है, ये सांस छोड़ने के बाद सांस लेने से पहले भी मृत्यु आ सकती है ना। और बहुत सारी है, जैसे कि अगर बहुत ठंड पड़ी है तो उससे भी मृत्यु हो सकती है, बहुत गर्मी है तो उससे भी मृत्यु हो सकती है। और ये चार जो धातु है हमारे भीतर, पृथ्वी, आप, तेज, ये प्रकोपित होने से भी मृत्यु हो सकती है। और जो हम आहार लेते हैं, वो अगर सही ढंग से आहार न पचा न सके या विष बन जाए, तभी हम मृत्यु हो, यानी कि मृत्यु की ये आयु क्षीण होने के बहुत सारे कारण हैं, और इन कारणों से ही घिरे हुए हम हैं, इनसे ही युक्त हमारा जीवन है, ठीक है। और मृत्यु को ऐसा कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि अभी मतलब इसी समय में आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग जन्म लेता है उसकी मृत्यु पहले से ही तय होती है, ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान कहते हैं जीवन अनिश्चित है और मरण निश्चित है, ठीक है। और इसी इसी प्रकार के जीवन के सत्य को समझती हुई कि मैं भी मरण धर्मा हूँ, मैं भी मरने के स्वभाव से युक्त हूँ, और मैं इस
मरने के स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी मेरा जन्म हुआ है और मैं मृत्यु की ओर मेरी यात्रा चल रही है। जैसे किसी गाय को किसी वध स्थल की ओर लेकर चले जाते हैं तो उस गाय का हर कदम उसके मृत्यु के समीप चला जाता है, यानी कि वो दो कदम चले जाते हैं वो मृत्यु दो कदम उसके पास आता है। तो इस तरह से व्यक्ति का जो जीवन है वो मृत्यु की ओर मतलब चलता है और इसी स्वभाव से है, और वो अनिश्चित है, वो उसका स्टेशन कब कहाँ, वो दिन में आएगा, रात में आएगा, सुबह में आएगा, लेटे हुए बैठे हुए, किस कुछ नहीं कह सकते। तो ये हमारे जीवन का सत्य है और इसी सत्य के बारे में हमें अनुस्मरण करना है। अभी ये हमारे जीवन का सत्य समझ में आया कि हम किस प्रकार के स्वभाव से युक्त है, तो इसके बारे में हम जब भी सुनेंगे या अपने बारे में, हम भी मरने के स्वभाव के हैं, क्योंकि ऐसे इतने सारे संसार के सभी सत्व जो उसके बारे में जो हम सोचते हैं उनके स्वभाव के बारे में, तो हमें भय नहीं होना चाहिए। अपने जब भी मरण के बारे में कोई संज्ञा मन में उत्पन्न होती है, अरे मैं भी तो मरण धर्मा हूँ, मरण हो मृत्यु को प्राप्त होने के स्वभाव का हूँ, ये सत्य हमें स्वीकारना है। ये पहली बात, ठीक है, कि ये सत्य स्वभाव स्वीकारना है। तो इस तरह से जब हम इस तरह से जब हम मृत्यु के सत्य को समझ लेते हैं तो हम मरणानुसति भावना करने की क्षमता रखते हैं। तो भगवान बुद्ध ने मरणानुसति के बारे में इस तरह की कुछ बातें कही है। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, मरणसति भिक्खवे भाविता बहुली कथा महफला होती महानिशंसा। भिक्षुओं, ये जो मरणसति है, मरण सती का मतलब होता है कि जो भी मृत्यु का स्वभाव है उसका जो अनुस्मरण करना है, ये जो अनुस्मरण करने की भावना है, भावना का अर्थ होता है भावित, भावना को ही भावित किया जाता है। भावना का अर्थ होता है कि उस बात को, उस सत्य को अपने मन में उत्पन्न करते हुए उसके अनुसार मनसिकार करना, तो उसको भावित कहते हैं। बहुली कथा, बहुली कथा का अर्थ होता है कि उसके बार बार करना, कि एक बार हमने उसको मतलब पूर्ण रूप से उसका मनसिकार किया, फिर और एक करते तो बहुली कथा, बहुली कथा यानी बहुलता से करते हैं तो क्या कहते हैं, महाफला होती, ये महाफलदायी देने वाले। ये महाफल क्या होता है, संसार में तो बहुत सारे फल है, मनुष्य लोक में, देवता लोक में, ब्रह्म लोक, ये सभी फल है, लेकिन इससे सबसे श्रेष्ठ और सबसे महान फल होता है निर्वाण का फल। इसीलिए कहा महाफल, ये निर्वाणिक फल देने वाले। महानिशंसा यानी कि निर्वाण रूपी महान शुभ परिणाम देने वाले। और कहते हैं अमृत परियोसाना, यानी कि जो अमृत निर्वाण है उस अमृत निर्वाण तक आपको पहुंचाने वाले, उसका जो अगर इस तरह की अगर भावना करते हैं तो उसका जो अंत है कहाँ कहाँ पहुंचे, मतलब अंत कहाँ तक आएगा, जहां अमृत निर्वाण है। तो हम सोच सकते हैं कि ये मरण सती कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर मरण सती नहीं है तो व्यक्ति निर्वाण तक की यात्रा नहीं कर सकता है, वो निर्वाण का जो आर्यष्टांगिक मार्ग है उसके अनुसार प्रतिपा अप्रमाद से नहीं कर सकता है। ये प्रमाद ही होता है, क्योंकि प्रमाद होने के कारण हमने जो ऊपर देखे हैं मरण के स्वभाव को न जानने का कारण ही प्रमाद उत्पन्न होता है। तो प्रमाद ही बनता है, और प्रमाद व्यक्ति निर्वाण का मार्ग भावित नहीं कर सकता, परिपूर्ण नहीं कर सकता, तो निर्वाण तक पहुंच भी नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं अमृत परियोसाना, ये अमृत निर्वाण तक पहुंचाने वाली, जहां तक उसका अंत तक ले जाने वाली, ये मरण सती है। यानी कि कोई भी ध्यान कर्मस्थान, चाहे शमत कर्मस्थान हो चाहे विपसना कर्मस्थान हो, ये दोनों ही कर्मस्थान का अभ्यास करते हुए हमें मरण सती का अभ्यास करना ही है। ठीक है, तो हमें अभी अभ्यास किस क्रम से करना चाहिए ये देखने से पहले एक और भी घटना देखते हैं। तो जब भगवान ने ऐसा कहा कि भिक्षुओं कि आप मरण सती की भावना करें, बहुलता से अभ्यास करें, तो कुछ भिक्षु कहते हैं कि भगवान हम तो मरण सती का अभ्यास हमेशा करते हैं, मरण सती करते हैं। तो भगवान पूछते हैं भिक्षुओं आप लोग किस तरह से मरण सती का अभ्यास करते। तो वो भी भिक्षु कहते हैं कि बनते भगवान हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे एक दिन और एक रात का भी मुझे समय मिला
यानी कि जीवित रहने का अगर समय मिला तो उतने समय में भी मैं भगवान ने बताए हुए श्री सद्धर्म का ही मनसिकार करूं, योनिसो मनसिकार करता हूं, अपना समय बिताऊं। अब अगर देखें यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहे कि अगर मेरा जीवन एक दिन का ही है, तो क्या वो व्यक्ति प्रमाद कर सकता है? वो कोशिश करेगा कि मेरा जीवन मैं किस तरह से अच्छा, मतलब अच्छी तरीके से जीऊं। इतना ही नहीं, अगर किसी को व्यक्ति को इस डॉक्टर ने कहा कि अभी तेरे पास सिर्फ 7 दिन का समय, 7 दिन के बाद तेरा मृत्यु हो जाएगा, तो वह व्यक्ति भी जब उसके 7 दिन उसके पास रहेंगे तो क्या वो ऐसे ही प्रमाद रूप में बिताएगा? क्या नहीं बिताएगा? कोशिश करेगा अच्छे से अच्छे कुछ कर्म करे, या मतलब जितना हो सके उतना अच्छा जीवन जीने के लिए कोशिश करेगा, है ना। मतलब वो सोने में या उसको मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजों, मतलब निरर्थक चीजों में उसका समय बिताना उसको पसंद नहीं आता, है ना, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन एक भिक्खु कहता है कि भगवान मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरे पास एक दिन और एक रात का समय मिला, और उसके बाद मुझे अगर मृत्यु भी क्यों ना जाए, लेकिन उतने समय में भी मैं क्षण प्रतिक्षण भगवान ने बताए हुए धर्म के अनुसार ही योनिसो मनसिकार करता हुआ मैं अपना समय बिताऊंगा, धर्म यानी कि धर्म धारण करूंगा, उसका अभ्यास करूंगा, और ऐसा करता हुआ मैं इस तरह से मरण मरण सती का अभ्यास भी करता हूँ और धर्म का आचरण करता हूँ। और भी एक भिक्खु कहता है कि भगवान मैं भी इस तरह से मरण सती का अभ्यास करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे एक रात या एक दिन का भी, मतलब एक रात या दिन का ही समय, मतलब रात छोड़कर दिन का ही समय अगर मुझे मिला, और इतना समय भी अगर मुझे जीवित रहने का मौका मिला, तो उतने समय में भी मैं धर्म का आचरण करूंगा, बिना प्रमादी बने भगवान ने बताया धर्म के अनुसार मैं स्वीकार करती हूँ, अपना समय बिताऊंगा, और ऐसा ऐसा मैं सोचती हुई मरण सती मरण के बारे में स्मरण करती हुई मैं अभ्यास करता हूँ, तो ये मेरी मरण सती है। कोई और भिक्षु कहता है कि भगवान मैं तो इस तरह से मरण सती करता हूँ कि अगर मुझे एक वक्त का भोजन खाने के जितना समय है उतना समय भी मिल जाए, उतने समय में भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे द्वारा मतलब रंच मात्र भी प्रमाद न हो, भगवान ने बताया हुआ जो भी धर्म है उसका अवबोध करने के लिए, निर्वाण का साक्षात्कार होने के लिए क्षण प्रतिक्षण मैं योनिसो मनसिकार करते हुए अभ्यास करते हुए अपना समय बिताऊंगा। तो एक समय, ये भोजन करने का जो समय है तो बहुत छोटा होता है, उतने समय में भी उतना भी समय मिला तब भी मैं अप्रमाद से ही रहूंगा, इतने समय में भी मैं धर्म को ही मतलब स्थान दूंगा और उसका आचरण करूंगा, ऐसे कहते हैं। एक भिक्खु कहता है कि भगवान मुझे, मैं मरण सत्य ऐसे करता हूँ, इतना समय तो नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे 4-5 निवाले खाने तक का ही समय मिला, जीवित रहने का समय मिला, फिर उसके आगे तो की बात ही क्या, उतना समय मिला तब भी मैं सोचूंगा कि उतने समय में भी जो मैं कोशिश करूंगा कि इतने समय में भी भगवान के धर्म के अनुसार योनिसो मनसिकार करते हुए कैसे निर्वाण प्राप्त करूं, कैसे मेरे सभी आश्रयों को नष्ट करके अनाश्रय होकर अरहंत बनूं, मैं उतने समय में भी मैं प्रयास करूंगा मैं, तो ऐसा कहता है। और एक भिक्खु कहता है कि भगवान मैं तो मरण सती ऐसे करता हूँ कि अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे ये सांस ले, एक सांस लेने के बाद सांस छोड़ने से पहले जितना समय लगता है, और उसके बाद अगर मुझे मृत्यु आ जाए, या सांस छोड़ने के बाद सांस लेने में जितना समय लगता है, उतना अगर मुझे अगर समय मिल जाए, उतना भी मेरा जीवित जीवन मिल जाए, उतने समय में भी मैं मेरे आश्रय क्षय के लिए, निर्वाण के लिए मैं सोचूंगा, भगवान का धर्म बताया हुआ धर्म ही सोचूंगा, उसके अनुसार मनसिकार करूंगा। तो इस तरह से मैं मरण सती करता हूँ, मरण यानी कि मृत्यु के स्वभाव को मैं स्मरण करता हूँ या स्मरण रखता हूँ और धर्म का आचरण करता हूँ, इसलिए कि मैं आश्रयों को नष्ट करके अनाश्रय बनकर अनंत बन सकूँ। तो भगवान वहां पर कहते हैं भिक्षु, जो भिक्षु कहता है कि मैं एक दिन रात तक ही जीवित क्यों ना रहूं, उतने समय में भगवान के धर्म के अनुसार मनसिकार करते हुए उसका अभ्यास करूंगा, या कोई कहता है कि मैं एक समय का भोजन खाने के समय इतना समय मिला, या 4-5 निवाले तक खाने तक का समय मिला, और उतने समय तक मिले हुए व्यक्ति को भी, और जो धर्म का अभ्यास करते वहां पर कोई प्रमाद करूंगा ऐसा नहीं कहा है, लेकिन भगवान कहते हैं वो भी प्रमाद का ही जीवन है,
उससे भी मैं कहता हूँ वो प्रमादी है, वो प्रमादी कर रहा है। अभी देखिए, हम तो ऐसा तो सोचते ही नहीं है कि हमें बस एक दिन का जीवन है ना। हम तो सोचते हैं कि अभी तो हमारे पास करीबन 10 साल, 20 साल, 50, 60 साल, 70 साल तो मतलब फिक्स है, या आगे पीछे कहेंगे तो भी 70 साल तो मैं जीवित रहूंगा ही, ऐसे हम प्रमाण करते हैं और बहुत एकदम नॉर्मल से जीवन जीते। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर उतना एक 4-5 निवाले खाने तक का जो भी समय मिलता है, उतने समय में भी कोई व्यक्ति कहता है अगर मुझे उतना समय मिला जीवित रहने का, और उतने समय में भी मैं निर्वाण के लिए धर्म का अभ्यास करूंगा, तो वो उतने समय में क्या वो प्रमाद कर पाएगा? नहीं करेगा। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि वह भी प्रमाद ही है, वह भी भगवान कहते हैं मैं उसे ही प्रमादी कहता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं एक निवाला खाने तक का जो समय है, या सांस लेने के बाद छोड़ने से पहले का जितना समय लगता है उतना समय में, या सांस छोड़ने के बाद लेने में जितना समय लगा उतना समय भी अगर मुझे जीवन मिला, तो उतने समय में भी मैं आश्रव क्षय के लिए धर्म का मनस्वीकार करूंगा, या धर्म को धारण करने का ही प्रयास करूंगा। तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति है अप्रमाद व्यक्ति, वो वही व्यक्ति धर्म धारण करने वाले में अप्रमाद व्यक्ति कहलाता है। यानी कि अभी हम यहाँ पर एक शब्द समझ सकते हैं, कौन सा शब्द है? अप्रमादी। अभी यहाँ तक ये जो मरण सती का जो स्वभाव देखा है, अभी यहाँ प्रमद होना और अप्रमादी होना का हमने अर्थ अभी यहाँ समझा है। तो अप्रमादी का अर्थ क्या होता है कि बिना खंडित हुए। देखिए, कुछ लोग हमारे उधर इस तरह से अर्थ बताते हैं, प्रमाद यानी कोई आलस करना, बस छोटी छोटी कुछ मतलब आलस में पड़ा रहना, इतनी मात्र इसके प्रमाद कहते हैं, और उससे अगर ऐसा नहीं करता है तो अप्रमाद ही कहते हैं। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। धर्म धारण करने के, जो धर्म धारण करना यानी कि भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया है, उस धर्म के अनुसार योनिसो मनसिकार करते हुए धर्म का अवबोध करने के लिए जो हम अभ्यास करते हैं, उसको कहते हैं धर्म धारण करना, उसे कहते हैं धम्माण धम्म प्रतिपदा। तो उस तरह का अभ्यास करते हुए रंच मात्र एक क्षण का भी विलंब न, उसमें खंड न हो, तो उसे कहते हैं अप्रमाद। और भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति ही, इस तरह की जो संज्ञा या होश रखने वाला व्यक्ति ही निर्वाण के समीप जाता है, महाफलदायी बनता है। उसकी हर कर्मस्थान, जो कर्मस्थान का अभ्यास करता है उसमें प्रमाद नहीं आता है, मतलब वो अखंड रूप से कर्मस्थान का अभ्यास कर सकता है। तो इसीलिए भी हम समझ सकते हैं, चाहे शमत कर्मस्थान हो चाहे विपस्सना कर्मस्थान हो, दोनों का ही अभ्यास अप्रमाद रूप से करने के लिए हमें मरण सती का अभ्यास करना जरूरी होता है। तो अभी यहाँ तक समझा है कि मरण सती क्यों करनी चाहिए, ठीक है, अभी कर्मस्थान कैसे लेना है, कैसे समझना है, और उसका अभ्यास कैसे करना है, ये समझते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा कि अभी कर्मस्थान मतलब कितना आवश्यक है और क्यों। ठीक है, तो उसका उत्तर हमें समझा कि अप्रमाद होने के लिए, अगर अप्रमाद ही अगर नहीं बन सकते हैं तो आप इस धर्म मार्ग पर, प्रमाद प्रमाद व्यक्ति के लिए ये धर्म नहीं है, अप्रमादी लोगों के लिए ही ये धर्म है, और वे ही लोग इस धर्म में उन्नति कर सकते हैं, वही लोग अपने संसार दुखों का अंत कर सकते हैं। उसके बारे में एक गाथा है, यो इमस्विं धम्म विनये अपमत्तो विहस्यति पहाय जाति संसारं दुःख संतं करिष्यति। ये गाथा है कि जो कोई व्यक्ति इस धर्म विनय में, धर्म विनय यानी कि भगवान ने बताया हुआ जो धर्म उपदेश है, शिक्षा है, उस धर्म विनय में अपमत्तो विहस्यति यानी अप्रमाद पूर्वक विहार करते, यानी कि उस धर्म का अभ्यास करने में उसका खंड नहीं आता, अखंड रूप से उसका अभ्यास करता है, वही व्यक्ति अपनी इस जाति यानी कि जन्म जो परंपरा है, जो संसार में बार बार जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, पहाय जाति संसारण, इस जाति जन्म होने के, संसरण होने के स्वभाव को वो नष्ट कर देता है, और अपने इस अनंत दुख संसार दुखों को, जो संसार में अप्रमाण रूप में दुख है, जो बार बार मिलने वाला जन्म है, जाति जरा व्याधि मरण शोक परिदेव दुख दोर्मह सुख आदि जो भी सारा दुख है, इस सारे संसार दुखों का वो अंत कर देता है। तो कौन करता है? अपमत्तो विहस्यति, अप्रमाद पूर्वक विहार करने वाला।
तो अप्रमाद पूर्वक विहार करने के लिए ये मरण सती का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। आप चाहे कोई भी कर्मस्थान क्यों न ले, लेकिन हर कर्मस्थान का अभ्यास करने से पहले ये मरण सती का अभ्यास करना ही चाहिए। उसे कहते हैं सुउपटिता, यानी कि भली प्रकार से उपस्थित, ये मरण सती उपस्थित होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यह अप्रमाद होने के लिए ऐसी ये मरण सती है। और इसके बारे में अभी हम सोच, इसका अभ्यास कब और कैसे करना है ये हम देखेंगे। कोई भी आप ध्यान साधना करें, ये खास करके ये भिक्षुओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि गृहस्थ लोग तो बहुत सारे कामों में या बहुत सारी क्रियाओं में बिजी रहते हैं, और मतलब ये कैसे है कि वो उतना समय नहीं दे पाते हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, तो प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए वो समझकर बस सुबह उठकर ब्रश करके स्नान करके बस काम को निकल जाते हैं, शाम में दौड़े भागे आते, थके आते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये उनके लिए ये अप्रमाद होना यानी कि बहुत ही मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि बहुत ही मुश्किल है। और फिर भी गृहस्थ लोग अगर प्रयास करते हैं, अपने जीवन की सत्य स्वभाव को समझते हैं, मरण स्वभाव को समझते हैं, और उसका अनुस्मरण रखते हुए कुछ कुशल कर्म करते हैं, तो बहुत लाभदायक है। ये मरण सती का एक और ये भी ये है कि मरण सती अभी कब करना है और किस तरह से करना है, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कब करनी है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं, जैसे कोई भी लोग 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे, तो उठने के बाद मूल रूप से उनको उनके लिए करने के लिए 4 भावनाएं होती हैं, उसको कहते हैं चतुरारखा। उसमें खास करके बुद्धानुस्सति होती है, मैत्री भावना होती है, और मरणस्थिति होती है, और अशुभ भावना होती है। तो ये 4 भावना हर भिक्षु ने सुबह सुबह करनी ही चाहिए, मतलब होनी चाहिए। आप दिन भर में कोई भी कर्मस्थान का अभ्यास क्यों न करें, उस कर्मस्थान की निरंतरता बनाए रखने के लिए और उसको अप्रमाद पूर्वक अभ्यास करने के लिए 4 भावना होना जरूरी है। क्योंकि बुद्धानुस्सति करने से क्या होता है कि हम अप्रमाद ही बनते हैं, हमारे भीतर इस तरह की प्रीति प्रमोद जागता है, इस तरह की श्रद्धा मूलिक बनती है वो धर्म धारण करने के लिए, कि वो मार्ग प्रशस्त होता है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आती है। अशुभ भावना करने से हमारे भीतर उस प्रकार के क्लेश नहीं जागते हैं, जिस क्लेशों के कारण, काम क्लेशों के कारण व्यक्ति बहुत व्याकुल रहता है, और मैत्री भावना के कारण इस ब्रह्मांड के हर एक सत्व के प्रति मैत्री बना भाव बना रहता है। जैसे कि माता अपने एक इकलौते पुत्र की जैसे रक्षा करती है, या उसके लिए प्रेम जताती है, प्रेम दिखाती है, उसी तरह का प्रेम हर एक सत्वों के लिए समान अगर बना सकते हैं, ये बुद्ध पुत्र का काम। और भगवान के श्रावकों ने ऐसे ही मैत्री भावना करनी चाहिए। जब ऐसा व्यक्ति करता है, वही व्यक्ति शमत भावना का अभ्यास करता है, यानी कि ध्यान अवस्था को प्राप्त कर सकता है, वरना प्रथम ध्यान वो प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के प्रति भी कहीं कोई छोटा सा भी कहीं दोष है, मन में रोष है, क्रोध है, अप्रिय भाव है, तो वह व्यक्ति ध्यान साधना को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि निवरणों के साथ में वो व्यक्ति ध्यान कर ही नहीं सकता। आजकल लोग बिना निवरणों को जाने, बिना निवरणों को समझे, बस ध्यान के लिए बैठ जाते हैं, मतलब तो जो काम करते हैं बैठ जाते हैं, आनापान करते हैं, सांस पर देखते हैं, घंटा 1 घंटे का समय होता है, उसने समय तक अपने सांस पर ध्यान रखते हैं, मतलब उसकी स्मृति रखते हैं, लेकिन ध्यान की पहली अवस्था तक भी नहीं जाते हैं। क्योंकि ध्यान की अवस्था मात्र मतलब जो यंत्रवत अभ्यास से नहीं होती, ध्यान एक एक प्रतिपदा है, उसके हर एक अंग को पूरा करना होता है। ठीक है, तो जब सुबह सुबह जब उठते हैं तो मरण सती का अभ्यास करना अनिवार्य है, मरण सती अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद में दिन भर में तो उस सती होनी ही चाहिए, क्योंकि उसी के साथ मतलब भली प्रकार से उसका स्मरण रखते हुए, मेरे जीवन की अनित्यता को समझते हुए ही मतलब जो भी आप कर्मस्थान लेते हैं उसका अभ्यास करना है। ठीक है, लेकिन पूरा दिन भर वही काम करना नहीं है, बस उसकी स्मृति उपस्थित होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। मरण सती यानी कि पूरा दिन और रात करने की क्रिया नहीं है। ठीक है, उसकी जो भावना है वो मतलब उपस्थित होनी चाहिए, मतलब जो भी हम कर्मस्थान विपस्सना करें या शमत भावना अभ्यास करें,
तो उसका अभ्यास करते हुए मरण सती उपस्थित होनी चाहिए, अपने जीवन की सत्यता का बोध, ये संज्ञा होने मतलब ये होना चाहिए, तभी हम अप्रमाद पूर्वक ये करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, अभी थोड़ा समय मिला है, मैं थोड़ा सा टहल लूँ, थोड़ा सा मोबाइल देखूँ, थोड़ा सा इधर उधर ये करूँ, तो उसने समय उतना समय चला जाता है। ठीक है, तो अप्रमाद तब वह व्यक्ति अप्रमाद नहीं बन सकता। तो मरण सती अगर उपस्थित रहती है, भली प्रकार से उपस्थित रहती है, तो व्यक्ति अप्रमाद बनता है। तो वो अपने दिन भर का आनापान है या विपसना है बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। फिर दिन भर जो अभ्यास करता है तो रात सोने से पहले, वैसे भिक्कू भी जब उसको कहते हैं जागरणशील होना, भिक्कुओं का जागरणशील होना का मतलब होता है सती संभजन्यता के साथ में वो सोता है, मतलब इस तरह से सोता है कि अपनी स्मृति के साथ सोता है कि मैं अभी सो रहा हूँ, ये संज्ञा जागती है और मैं इस समय में जाग रहा हूँ, यानी कि मैं अभी 10 बजे सो रहा हूँ तो सुबह 4 बजे जागूंगा, ये संज्ञा मन में जगाते हुए स्मृति के साथ सो जाता है और 4 बजे सच में जागता है। उसको कोई मतलब उसे अलार्म की जरूरत ही नहीं आती है, वो एक्यूरेट टाइम पर जाग ही जाता है। ये स्वभाव है और ये हर कोई करता है, इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं, आप भी ट्राई कर सकते। तो मरण सती कब करनी है, मरण सती को सुबह सुबह करनी, जब सुबह जागते हैं उस समय में करनी है और सोने से पहले करनी है। तो ये सोने से पहले और जागने के बाद और सोने से पहले क्यों करनी है, क्योंकि उसके दो कारण है। मरण सती का अभ्यास इसलिए किया जाता है कि अप्रमाद, तो उस समय में ये देखा जाता है कि सुबह में करते हैं तो अगर ये सोचना होता है अपने भीतर कि क्या मेरे भीतर कोई अकुशल है, क्या कोई मेरे भीतर कोई अधर्म है, क्लेश है या कोई बुराइयां है। अगर मेरे भीतर अकुशल है और उस अकुशल के साथ में अगर मेरा दिन में मेरा मृत्यु हो जाए, तो अकुशल के साथ मेरे भीतर अगर पाप है, अकुशल है और अकुशल संस्कार है, उसके साथ अगर मेरा मृत्यु हो जाए तो मैं उसी दुनिया में चला जाऊं उस अकुशल के कारण, जहाँ उसी लोक में मेरा जन्म होगा जहाँ पर दुख है, और उस अकुशल के कारण मैं दुर्गति अपार में ही जाऊँ, ये मेरे लिए विघ्न कारक होगा, ये मेरे लिए बाधक होगा, इसीलिए मुझे इस अकुशल को दूर करने के लिए और कुशल धर्म को उत्पन्न करने के लिए मुझे वीर्य करना चाहिए। वो छंदन जनित, वो ऐसी इच्छा जगाता है, वीर्य करता है, इस तरह का मतलब उत्साह जगाता है, पुरुषार्थ करता है और मन को उस तरह से झुकाता है। तो इस तरह से झुकाता हुआ वो अपने अकुशल को नष्ट करने के लिए जो दृढ़ परिश्रम करता है, तो वो क्यों करता है, क्योंकि उसने सुबह सुबह मरण सती करते हुए जाना है और अपने समझा है कि मेरे भीतर अभी अकुशल है और इस अकुशल को दूर करने के लिए और उसके प्रति विरुद्ध जो कुशल धर्म है, उस कुशल धर्म को उत्पन्न करने के लिए मुझे वीर्य करना चाहिए, मुझे पुरुषार्थ करना चाहिए, मुझे इस शमत विपसना का अभ्यास करना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए। भगवान ने जिस अर्थ में जो धर्म बताया है उसी अर्थ में योनिसो मनसिकार करते हुए मेरा समय बिताते हुए इस अकुशल को समूलता से नष्ट करना है, और इस सोच के साथ वो अपना दिन का समय बिताता है और वो समय इस तरह से बीतता है कि उसके अभ्यास में कहीं कोई खंड नहीं आता है, उसके धर्म का अभ्यास में साधना में खंड नहीं आता। वो चाहे खाते पीते मतलब खड़े रहते, हर इरियापतों में वो यही प्रयास करता है कि अपने भीतर के अकुशलों को नष्ट करे और कुशल को उत्पन्न, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं एक सांस लूं और सांस छोड़ने से पहले भी मेरा मृत्यु हो सकता है, अगर मैं एक निवाला खाने का समय भी मुझे मिलता है तो उतना समय मेरा मृत्यु हो सकता है। अपने जीवन की सत्यता को समझते हुए अपना दिन का समय इस तरह से बिताता है, अप्रमाद बनता है। फिर रात का समय आता है, उस समय में भी तो स्मृति रहती है, लेकिन फिर से उस कर्मस्थान को क्रम से लेकर याद करता है, मरण सती को, अपने जीवन की सच्चाई को देखता है। मरण सती का अभ्यास करने के बाद ये सोचता है क्या अभी मेरे मेरे मन में मेरे भीतर कोई अकुशल बचा हुआ है, अगर है तो देखता है कि मैं इसके लिए, इसके प्रहार के लिए मैं क्या करूं, कैसे अभ्यास करूं। तो उस प्रहार अकुशल को प्रहार करने के लिए भगवान बुद्ध जी के धर्म को मनसिकार कर धर्म को धारण करता है और उस अकुशल को दूर करता है। अगर वो दिन हो या रात हो, दोनों समय में अगर इस तरह की स्थिति में वो देख लेता है कि नहीं अभी मेरे भीतर कहीं कोई अकुशल नहीं है, जिस क्षण में ये बोध होता है कि मेरे भीतर
कहीं कोई अकुशल नहीं है, उसकी जय हो गई। उसके भीतर इस प्रकार से प्रीति जागती है कि अरे मेरे भीतर कहीं कोई बुराई नहीं, कहीं कोई अकुशल नहीं है। तो उसके मन में एक प्रमोदित प्रमोदित भाव जाता है। ये धर्म के साथ रहते हुए जब ये प्रमोदित भाव जागता है, तो प्रमोदित भाव जागने के कारण उसका उसका मन प्रीति से भर जाता है, और प्रीति से भर जाने के कारण उसका मन चंचल नहीं बनता, उसके मन की चंचलता सारी दूर हो जाती है और मन प्रशब्द होता है। उसके शरीर भी बहुत ऐसा चंचल उद्विग्न बेचैन नहीं बनता है, उसका शरीर भी प्रशब्द बनता है। ये प्रशब्द होने के कारण सुख अनुभव करता है और सुखिनो चित्तं समाधीत्य, और बहुत सहज रूप से समाधिस्थ होता है, और इस तरह के सुख के साथ, समाधि सुख के साथ अपना दिन का समय बिताता है। फिर उसी प्रकार रात में भी देखता है कि मेरे भीतर कहीं कोई अकुशल या नहीं है, तो इस तरह का जब वो देखता है अपने भीतर नहीं है तो अकुशल यानी कोई काम छंद नहीं है या द्वेष भाव नहीं है, थीन विद नहीं यानी कायिक चैतसिक आलस भाव नहीं है, उद्दच्च यानी उद्विग्नता नहीं, पश्चाताप नहीं है यानी उद्दच्च को कुछ नहीं है, विचिकित्सा नहीं है, और कहीं कोई अकुशल नहीं है, तो इस तरह से वो जब समझता है तो ये सारे बोध बोध्यंग धर्म उसको स्पर्श करते हैं, और इस तरह से वो प्रीति प्रमोद के साथ अप्रमाद पूर्वक धर्म का आचरण करता है। तो ये लाभ है धर्म का आचरण करने में, या मरण सती करने का लाभ है, और मरण सती से ही व्यक्ति अप्रमाद पूर्वक धर्म का अभ्यास कर सकता है, धर्म को धारण कर सकता है। ठीक है, तो ये है मरण सती का लाभ, और इस तरह से मरण सती का अभ्यास करना चाहिए। अभी सुबह में जो आप ध्यान के लिए बैठेंगे तो शाम में बैठेंगे, और उस मरण सती किस तरह से करनी है ये समझेंगे। ठीक है, अभी ये यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी ये बार बार कैसेट की तरह लगा और आप सुनते रहें, इसे समझना है। और किसी भी जगह पर, चाहे आप किसी खुली जगह पर हो, वृक्ष के नीचे हो, किसी खाली रूम में, शून्यागार में हो, किसी विहार में हो, कहीं भी हो, एक वहां पर जाकर उसका अभ्यास करना है। ठीक है, तो इस कर्म स्थान को इस तरह से आप सुखपूर्वक आसन ग्रहण करना है, अपनी पीठ गर्दन आदि सीधी करते हुए बहुत सजगता से बैठना है, और अपने शरीर के जितने भी मतलब जो कंपन है, हलन चलन, वो सारी मतलब वो स्थिर बनाना है, उसको मतलब दूर करना, शरीर को पूर्णतः शांत बनाना है। क्योंकि हम सच्चाइयों को मतलब बहुत गंभीरता से सोच सकते हैं तभी जब हमारी ये जो इंद्रियां है एकदम शांत होती है। प्रश्न, ये शरीर हमारा जब कहीं कोई हलन चलन होता है तो हमारे मन उद्विग्न होता है, बेचैन रहता है, वो मतलब एक स्थूल बनता है, वो सूक्ष्म बात को नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो स्थूल स्थूल रूप में ही वो मनसिकार बन जाता है, इसीलिए बैठकर करना जरूरी है। तो इस तरह से बैठने के बाद इस तरह से सोचना है, जब हम बैठने के सुखपूर्वक बैठने जानने के बाद सोचना है, मेरे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध ने इस तरह से अपने जीवन के सत्य के बारे में बताया है कि ये जीवन अनिश्चित है, जीवन अनिश्चित है और मरण निश्चित है, मेरे मृत्यु का कहीं कोई भरोसा नहीं है, ये मेरा मृत्यु कब, कहाँ और कैसे आ जाए इसके बारे में कह नहीं सकते। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से ये मृत्यु, मृत्यु भी उसके साथ ही आया है, और यहाँ मरने के बहुत सारे कारण हैं, यानी कि मेरे मृत्यु के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अगर मैं चलते चलते हुए अगर ठीक से मैं पैर अगर किसी के ठोकर लगे, किसी पैर से किसी के ठोकर लग गया और गिर जाऊं, इससे भी मेरी मृत्यु हो सकती है। अगर यहाँ पर मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर अगर वातावरण अगर बहुत शीतल है, ठंडा है, तो उस शीतलता के कारण भी मेरी मृत्यु हो सकती है, उष्णता के कारण भी मेरी मृत्यु हो सकती है। जो मैं खाना खाता हूँ वो खाना खाने के बाद अगर नहीं वो अगर पचा नहीं सका तो उससे भी मेरी मृत्यु हो सकती है। अगर खाना खाने के बाद वो खाना विष बन जाए,
उससे भी मेरी मृत्यु हो सकती है, या मुझे खाना नहीं मिले, अगर खाना नहीं मिलता है तो खाना न मिलने से भी मेरी मृत्यु हो सकती है, पानी न मिलने से भी मेरी मृत्यु हो सकती है, या पानी अधिक पीने से भी मृत्यु हो सकते हैं, या पृथ्वी पर जो भी हमारे शरीर के जो जो पानी धातु है, जल धातु है, वो प्रकुपित होने से भी मृत्यु हो सकती है, वात यानी कि वायु धातु भी प्रकुपित होने से भी मृत्यु हो सकती है, सांस लेने में भी दिक्कत यानी हवा अगर ऑक्सीजन अगर नहीं मिला तो इससे भी मेरी मृत्यु हो सकती है, शरीर में भी अगर वायु धातु प्रकुपित हो जाए उससे भी मृत्यु हो सकती है, पृथ्वी धातु भी प्रकुपित होती है तो उससे भी मृत्यु हो सकती है, और पित्त पित्त है वो भी प्रकुपित होता है तो उससे भी मेरी मृत्यु हो सकती है, और कफ कफ भी मेरे भीतर का अगर प्रकुपित होता है उससे भी मेरी मृत्यु हो सकती है। इस तरह से मेरे मृत्यु के बहुत कारण हैं, यहाँ तक कि किसी मनुष्य के द्वारा ये जो भी वैरी हो चाहे कोई भी हो मनुष्य के द्वारा उपक्रम करने से या शस्त्र से आदि से प्रहार करने से आदि से भी उनके उपक्रम से भी मेरी मृत्यु हो सकती है, अमनुष्यों के उपक्रम से भी मेरी मृत्यु हो सकती है। इस तरह से मेरे मृत्यु के बहुत सारे कारण हैं। ये मेरा जीवन तो बिना रुके क्षण प्रतिक्षण मृत्यु की ओर चले जा रहा है, जैसे वधस्थल की ओर चलती हुई गाय का हर कदम मृत्यु की ओर चले जा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन का हर क्षण मृत्यु की ओर चले जा रहा है। ये दिन के पीछे दिन बीत रहे हैं, मृत्यु मेरा उतने ही समीप आता चले जा रहा है, ये रात के पीछे रातें बीतती हुई मेरा जीवन मृत्यु के समीप चले जा रहा है, वो मृत्यु कब कहाँ कैसे आ जाए पता नहीं है, ये जीवन अनिश्चित है, ये मरण निश्चित है, मेरे मरने के बहुत सारे कारण हैं और मेरे इनमें से किसी भी तरह से मेरे मृत्यु हो सकती है। इस तरह से जब इन इन कारणों से हमारे मृत्यु के कारणों को मनसिकार करना है, योनिसो मनसिकार करना है, और जब हम ये स्मृति आ जाते हैं कि हम इस स्वभाव से युक्त है तो उस समय में इस तरह से हम जब सोचते हैं मरण सती होने के बाद हमें सोचना है कि अपने भीतर के जो अनुत्पन्न अकुशल है उस अनुत्पन्न अकुशल अगर देखते हैं कि मेरे भीतर अभी अनुत्पन्न मतलब कुशल मेरे भीतर अकुशल मेरे भीतर नहीं है तो उसको न उत्पन्न होने के लिए, क्योंकि वो जो अगर अकुशल उत्पन्न होता है तो ये मेरे लिए हानिकारक है विघ्नकारक है, अगर उत्पन्न हुए अकुशल को दूर करने के लिए नष्ट करने के लिए अगर अगर ये अकुशल बना रहता है तो ये मेरे लिए हानिकारक है बाधक है अंतरायकारक है, क्योंकि उस किसी भी समय में अगर मृत्यु हो जाए तो मेरे लिए विघ्न होगा ही, ये सोचना है। अगर मेरे भीतर अभी कुशल नहीं है, जो नहीं है उसको उत्पन्न करने के लिए और जो उत्पन्न हुआ कुशल है उसको बढ़ाने के लिए उसकी भावना परिपूर्ण करने के लिए मुझे परिश्रम बीजे करना है, और ऐसा सोचते हुए वो साधना मतलब इस तरह से ऐसा सोचना है, और सोचने के बाद वो कर्मस्थान जो मरण सती का जो कर्मस्थान है वो वहां पर समाप्त होता है। फिर अपने आप मन में जो वो संज्ञा मतलब वो जगह आनी है कि ये मरण सती मुझ में भली प्रकार से सुप्रतिष्ठित है, मुझे इसका परिपूर्ण रूप से ख्याल है, उसके बारे में सजगता है, और मैं इसके बारे में जागरूक हूँ और मुझे इसका ज्ञान अभी हो गया है। ये संज्ञा जागने के बाद ये आपका कर्मस्थान मरणानुस्मृति कर्मस्थान पूरा होता है, तो तब उसके बाद आप या तो ध्यान से उठ भी सकते हैं या फिर क्योंकि अन्य कर्मस्थान का अभ्यास करने के लिए फिर उसी आसन में बैठकर भी आगे चाहे कोई भी कर्मस्थान हो आगे अभ्यास कर सकते हैं, नहीं तो फिर कर्मस्थान का अन्य अभ्यास अगर चंक्रमण करते हुए खड़े रहते हुए लेटे हुए या बैठे हुए करना चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन मरण सती इस तरह से करना अभी इनको समझना है, और इसे समझते हुए सुबह में जब ध्यान मैं
सुबह का समय आता है उस समय करनी है, और मैंने जो बताया वो सारी चीजें फॉलो करनी है। फिर उसी प्रकार शाम में सोने से पहले ये मरण सती करनी है, मरणानुस्मृति करनी है, और फिर आगे का अभ्यास और क्रिया करनी है। ठीक है, इस तरह से दिन के 2 समय में और बाकी पूरे 24 घंटे में ये मरण सती सदा बनी रहे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इस तरह से मरण सती का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इस तरह से अप्रमादी होता है कि जैसे किसी के सिर में अगर आग लग जाए, मतलब बालों को अगर आग लग जाए, उसके कपड़े को आग लग जाए, तो उसको बुझाने के लिए जिस तरह से हम वीर्य करते हैं, छंद जगाते हैं, मुझे उसे बुझाना है करके जो इच्छा जगाते हैं, क्विकली एक्शन लेते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और उसको परिश्रम से बुझा देते हैं, भगवान बुद्ध बोलते हैं अगर ये मरण सती अगर इस तरह से अगर अभ्यास करेंगे तो आपके भीतर के अकुशल को नष्ट करने के लिए ये बालों को लगी हुई आग को बुझाने की तरह आप तुरंत इच्छा जगाएंगे कि ये मुझे दूर करनी है, और इसे दूर करने के लिए तुरंत प्रयास करते हैं। ये ऐसी ही मरण सती है। भगवान कहते हैं इस तरह जैसे कि अपने गोद में अगर कहीं सांप गिर जाए ऊपर से, तो हम उसको दूर फेंकने के लिए क्विकली एक्शन लेते हैं। चंदन जनेति वायमति, जैसे तुरंत इच्छा जगाते मन में उसको मतलब दूर करने हैं, और उस प्रकार का व्यायाम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, और उस मतलब धर्म का अभ्यास करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये मरण सती हमें अप्रमादी बनाती है धर्म का अभ्यास करने के लिए। इसलिए सभी शमथ विपस्सना कर्म स्थानों के साथ में मरण सती का सुउपस्थित होना बहुत जरूरी है। ये कर्मस्थान सभी कर्मस्थानों के साथ बना होना बहुत जरूरी है, तभी आप सफल बन पाएंगे, अप्रमादी बन पाएंगे। और ये अप्रमाद आपको कहाँ तक पहुंचाएगा? अमृत परियोसाना, अमृत निर्वाण तक आपको पहुंचाएगा। तो ये कर्मस्थान ध्यान में रखे, इसे सीखे, और ये आपको इस धर्म के रास्ते चलने के लिए, अप्रमाद होने के लिए, और धर्म के महान प्रतिफल को पाने के लिए ये धर्म देशना प्रेरणादायी हो। इसी सद्भाव से हम मंगल कामना करते हैं। मैंने जो यहाँ धर्म दान दिया है और धर्म दान का अग्रतम पुण्यार्जित किया है, इस धर्म दान के पुण्यानुभाव से आप सभी को सभी प्रकार की सुख शांति मिले, और ये धर्म देशना आप सबको निर्वाण पाने में, अप्रमाद पूर्वक धर्म आचरण करके निर्वाण पाने में हेतु प्रत्यय बने करके आशीर्वाद करता हूँ। सुखी नि दुखा निरोगा हंतु निर्वाणस पच्चय होतु, सुखी हंतु। साधु साधु साधु।